CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम दशहरा। इसकी लेखिका हैं मधुपंत और प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। रामचंद्र की सुनो कहानी, रामचंद्र की सुनो कहानी, सदियों से जानी पहचानी रामचंद्र की सुनो कहानी। बच्चों, एक था राजा और तीन थी रानी। राजा था दशरथ और रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान से उनके चार पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की मां कौशल्या, भरत की मां कैकेयी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सुमित्रा। राम बचपन से ही एक अद्भुत बालक थे। उन्होंने धनुष चलाना, घुड़सवारी करना सभी कुछ सीख लिया। चारों बालकों की वीरता की बात दूर दूर तक फैल गई। उनकी वीरता की एक बात तुम्हें बताएं? एक मुनि थे विश्वामित्र। एक दिन वे राजा दशरथ के पास आए और बोले, महायज्ञ करना है राजन, पहुंचाते बाधा राक्षस गण। महायज्ञ करना है राजन, पहुंचाते बाधा राक्षस गण। राम लखन है वीर महान, दशरथ इनको दे दो दान। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले गए जंगल में। विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। बड़े बड़े राक्षस गरजते हुए, भयानक अट्टहास करते हुए यज्ञ में बाधा पहुंचाने आए। राम लक्ष्मण ने इन सब को मार डाला और विश्वामित्र ने शांति से यज्ञ पूरा किया। तो बच्चों, ऐसे थे श्री राम बलवान और महान, साथ ही थे दयावान। अच्छा बच्चों, अहिल्या की कहानी सुनोगे? अहिल्या की कहानी सुनोगे तब मालूम पड़ेगा कि कितने दयावान थे श्री राम। कौन अहिल्या यही बताता, रामचंद्र की कथा सुनाता। कौन अहिल्या यही बताता, रामचंद्र की कथा सुनाता। यज्ञ की रक्षा के बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी गए। राजा जनक जनकपुरी के राजा थे। उनकी पुत्री सीता बहुत ही सुंदर और सुशील थी। सीता का स्वयंवर होना था। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को इस स्वयंवर में ले जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ पता है? एक अहिल्या थी ऋषि नारी, पत्थर बनकर पड़ी बेचारी। एक अहिल्या थी ऋषि नारी, पत्थर बनकर पड़ी बेचारी। पत्थर छुआ राम ने जो ही, नारी बनी अहिल्या त्यों ही। शाप से अहिल्या पत्थर बनी थी और श्री राम ने उसको पुनः स्त्री बनाकर नया जीवन दिया। ऐसे थे श्री राम दयावान।
उसके बाद राम लक्ष्मण सीता के स्वयंवर में गए। हाँ, राजा जनक के पास शिवजी का एक धनुष था। ये धनुष बहुत बड़ा और बहुत भारी था। सीता के विवाह की शर्त थी, जो इस धनुष की डोरी को खींच देगा उससे सीता का विवाह हो जाएगा। दूर दूर से आए हुए देवता, राजा, राक्षस, कोई भी इस धनुष को हिला ना पाया। रामचंद्र थे वीर महान, डोर खींचना भी क्या काम। रामचंद्र थे वीर महान, डोर खींचना भी क्या काम। तुरंत उठाया धनुष उन्होंने, चाप चढ़ाया खींचा क्षण में। तुरंत उठाया धनुष उन्होंने, चाप चढ़ाया खींचा क्षण में। टूटा धनुष तुरंत वह भारी, सुखी हुए तब सब नर नारी। वरमाला ले सीता आई, रामचंद्र को वो पहनाई। वरमाला ले सीता आई, रामचंद्र को वो पहनाई। तो बच्चों, इस तरह सीता से विवाह कर राम अवधपुरी यानी अयोध्या वापस आए। अयोध्या में खुशियां और उल्लास छाया रहा। कुछ समय बाद महाराजा दशरथ ने राम को राज्य देने की बात सोची, क्योंकि वे अब बूढ़े हो गए थे। लेकिन बीच में ही हो गई गड़बड़। मैंने तुम्हें बताया था ना, राम थे दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र। दूसरी रानी थी कैकेयी, उसका बेटा था भरत। कैकेयी की दासी थी मंथरा। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने दशरथ से दो वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राज्य मिले, और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया जाए। वन की ओर चले रघुराई, वन की ओर चले रघुराई, सारी अवधपुरी अकुलाई। चले राम संग लक्ष्मण सीता, रोती और बिलखती माता। बच्चों, राम के मन में माँ बाप की जितनी भक्ति थी, उतना ही भाई के लिए प्यार भी था। उन्होंने भरत के लिए सारा राज्य छोड़ दिया और राज्य छोड़कर वन की ओर चले। राम, सीता और लक्ष्मण घूमते रहे, चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद राम, सीता, लक्ष्मण पहुंच गए पंचवटी। इस सुंदर स्थान पर वे कुटी बनाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद रावण ने एक जाल रचा। किसी तरह राम, लक्ष्मण उसकी चाल में फंस गए और सीता को कुटी में अकेली छोड़कर बहुत दूर निकल गए। सीता को अकेली पाकर रावण उनको उठाकर
अपने राज्य लंका की ओर ले गया। जब राम लक्ष्मण कुटी में वापस आए तो देखा, अरे सीता वहां नहीं है। वे व्याकुल हो गए। जब उन्हें पता चला कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया है, वे अत्यंत दुखी हुए और दोनों भाई सीता को ढूंढने चल पड़े। राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे हनुमान जी के पास, और फिर वानर राजा सुग्रीव से भी मिले। हनुमान और सारी वानर सेना सीता का पता लगाने के लिए इधर उधर घूमने लगी। सीता को ढूंढते ढूंढते हनुमान पहुंच गए रावण के राज्य लंका में। उन्होंने अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी को श्री राम का संदेश दिया। और फिर बच्चों अशोक वाटिका के फल खाए और वृक्ष तोड़ने लगे। ये जानकर रावण ने उन्हें पकड़वाकर मंगवाया और फिर खूब सारी रुई तेल में भिगोकर उनकी पूंछ में लपेट दी। और फिर हनुमान की पूंछ जलाई पर रावण ने मुंह की खाई। हनुमान की पूंछ जलाई पर रावण ने मुंह की खाई। हनुमान चढ़ गए घरों पर महलों और अटारी ऊपर। तुरंत जलाई लंका सारी हाहाकार मचा सब भारी। तुरंत जलाई लंका सारी हाहाकार मचा सब भारी। पास राम के फिर वे आए संदेशा सीता का लाए। बोले राम करो तैयारी, बोले राम करो तैयारी, अब रावण की आई बारी, अब रावण की आई बारी। फिर क्या था, श्री राम ने वानर सेना तैयार कर ली। श्री राम और वानर सेना इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने पत्थरों से समुद्र पर पुल बना लिया, और उस पुल से सभी वानर श्री राम लक्ष्मण और हनुमान पहुंच गए लंका नगरी। लंका पहुंचकर शुरू हो गई लड़ाई, राम और रावण की लड़ाई, खूब जोरों की लड़ाई। जानते हो फिर क्या हुआ? लो आगे का हाल सुनाता, रामचंद्र की कथा सुनाता। लो आगे का हाल सुनाता, रामचंद्र की कथा सुनाता। खूब भयंकर हुई लड़ाई, तलवारें ढाले टकराई। भाले तीर बाण सब चलते, रावण के गण कटते मरते। भाले तीर बाण सब चलते, रावण के गण कटते मरते। फिर रावण भी मार गिराया, करनी का फल उसने पाया। बच्चों रावण के मरते ही सब लोग प्रसन्न हो गए। रावण दुष्ट राजा था ना, इसलिए आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। बच्चों आज भी हम राम की रावण पर विजय होने की खुशी मनाते हैं दशहरे का त्योहार मनाकर। हम श्री राम को आज भी याद करते हैं क्योंकि वे वीर थे, निडर थे, साहसी थे, महान थे। उन्होंने रावण जैसे दुष्ट का नाश किया। रामचंद्र की यही कहानी, जो थे वीर धीर अति ज्ञानी, जो थे धीर वीर अति ज्ञानी, जो थे धीर वीर अति ज्ञानी।
प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।